applied across the ends of the conductor is directly proportional to current. ये हमें पता है. तो it means जो आपके पास it provides the temperature of the conductor remains constant. V is equal to IR, R resistance है और आपके पास and it is measure opposition, ये भी हमें पता है. V IR आपके पास macroscopic quantity है और जो corresponding microscopic quantity है V की, I की और R की, वो E है, J है और Rho है. J आपके पास जो current density है, current का जो आपके पास micro level current density है, ये आपके पास potential का जो है EMF source है, potential source ही होता है ये. उसके बाद ये resistance का resistivity होती है. इस means ये जो quantity है आपको पता होना चाहिए, जो V equal to I और macroscopic है, E, J और Rho जो आपके पास है ये microscopic quantities है. The macroscopic quantity applied to the particular bodies or extended region, while the microscopic quantities have the particular values at every point in the body. मतलब जो macroscopic quantities होती हैं, वो आपके पास extended region तक applicable होती हैं, जबकि microscopic quantity उनके आपके particular values होती हैं, fixed values throughout the region of the space जो आपके पास material है. सर ये जे का बता दे, समझ नहीं लगी. जे जो है वो करंट डेंसिटी है ना, जो ऊपर हमने उसको पढ़ा था, जे इज इक्वल टू आई ओवर ए, करंट पर यूनिट एरिया, ये वाला, ठीक है ना? ठीक है सर. हाँ जी, ये कोरस्पोंडिंग है ना, रेस्पेक्टिवली का मतलब है वी के अगेंस्ट ई है ईएमएफ, ये आई के क्रॉस जे है, जैसे करंट डेंसिटी, और करंट ये आर के क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस रेजिस्टिविटी है माइक्रो लेवल, ठीक है ना? और इसको जो है हम उसकी फॉर्म में अगर लिखें, I is equal to integral J dot D होता है ये. अब हमने इसको रिलेट करवाना है उससे. तो जो सर, एक्सटेंडेड रीजन कौन सा होता है? मतलब एक्सटेंडेड रीजन होता है कि जैसे आपके पास स्फेरिकल शेप है या सर्कुलर शेप है किसी भी मटेरियल की, आप उसको कोरस्पोंड एक मतलब पैच पे अगर आप उसको सॉल्व करते हैं, अगर आप उसको थ्रू आउट रीजन पे लाएंगे तो दिस इज द एक्सटेंडेड रीजन फॉर द ऑब्जेक्ट. ओके सर. हाँ जी, आई इज इक्वल टू जी ए हो गया, तो पोटेंशियल जो है वो इसके इक्विवेलेंट होता है वी ए बी या माइनस वी बी ए. मतलब कि अगर आप बी ए से बी की तरफ जा रहे हो तो ये आपके पास बी से ए की तरफ जाएंगे, दोनों अपोजिट होते हैं. तो अगर आप इसका इंटीग्रल लेते हैं फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से अगर आप लेते हो, दिस इज ई डॉट डी एस. पोटेंशियल को आप ई डॉट डी एस की फॉर्म में लिख सकते हैं. V is equal to, basically this is also potential, ये किसी surface पे apply किया हुआ है, integral form है उसकी. और जो current integral आपके पास है वो है surface integral carried out over any cross section of the conductor. The field integral in the line integral carried out along the arbitrary line drawn along the conductor. और इसमें आपके पास equipotential surfaces जो हैं दो आप उनको कनेक्ट कर रहा होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पास कौन सी होती है. एक मिनट जस्ट. आवाज नहीं आ रही सर. लीव कर रहे हैं.
पर क्लास में होंगे तो आवाज आएगी। अरे पुराने सीआर होस्ट बन गया सीआर भाई, पढ़ा दे हमें। टक टक चलाओ। नहीं नहीं लिमिट है, चलो मैं कैडी लिमिट से सर में यार क्लास ले आ रही है, 5 बजे के बाद ले लो फिर ना कॉल ना करेंगे। ठीक है ना, 5 बजे में फ्री होना फिर आ जाना, फिर जाएंगे उधर बाहर दरिया पर। जी हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर। हाँ जी, हम यहाँ पे थे कि जो आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कौन सी होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पास वो है जिस पे आपके पास पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। या जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो है जब जीरो होता है उसको भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और आपके पास एक और इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है कि जो वर्क डन होता है इन मूविंग चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज कंसीडर्ड टू बी जीरो, मतलब कांस्टेंट जो पोटेंशियल होता है इन पॉइंट्स के दरमियान दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब एक बराबर जो है इक्वल से है ना इक्विपोटेंशियल। और यहाँ पे इसको अगर आप देखते हैं कि आपके पास रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक्सप्रेशन अगर फाइंड करना है आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, ये इंटेग्रल ऊपर लिखा है हमने ए पोटेंशियल का ए बी ई डॉट डी एस, फिर आपने करंट का लिखा है इन फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी जे डॉट डी ए, और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जो हमारे पास है वो इज इक्वल टू थी रो इंटू जे, ये वाला दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर से हमने किया था। फिर इज इक्वल टू यहाँ पे 1/σ इंटू जे, रो जो है वो आपके पास 1/σ है, सिग्मा जो है कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है, तो यहाँ से जे इज इक्वल टू सिग्मा ही आ गया। और ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जे करंट डेंसिटी है और रो आपके पास जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है और सिग्मा जो है कंडक्टिविटी होता मटीरियल है। इसका मतलब है कि तमाम जो आपके पास माइक्रो मैक्रो लेवल क्वांटिटी दीज आर कन्वर्ज्ड थ्रू अ इन अ माइक्रो लेवल क्वांटिटीज। करंट और हीट फ्लो के दरमियान क्या मतलब रिलेशन है, एनालॉगी इनमें क्या है? सर ये क्या अभी आपने लाइन बताई है? मैंने ये बताया कि आपके पास जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज थी वी आई और आर दीज आर कन्वर्ज टू माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, जैसे आपके पास पहले मैंने बताया ई जो है वी को ई से रिप्लेसमेंट हुई है वो माइक्रो पे चला गया, करंट जो है वो करंट डेंसिटी जे से चला गया, और लास्ट में आपके पास रेजिस्टेंस जो है उसकी आपके पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो रेजिस्टिविटी होता है तो वो उस फॉर्म में चला गया, शिफ्ट हो गया। इट मींस दीज आर कन्वर्टेड इनटू मैक्रो लेवल टू माइक्रो लेवल। तो ओके सर, अभी इसमें ये सिंपल सा है, इसमें आपके पास किस तरह से उसको एनालॉगी हीट फ्लो और करंट का हम देखेंगे। क्लोज रिजेंबलेंस है बिटवीन द फ्लो ऑफ करंट एंड फ्लो ऑफ हीट, द करंट फ्लो ड्यू टू डिफरेंस इन द पोटेंशियल एंड हीट फ्लो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो मतलब कि ये आपके पास जो है हमें पता है कि हीट फ्लो जो होती है वो डिफरेंस इन टेम्परेचर से होती है और आपके पास करंट जो है वो होता है
पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग स्लैब लेंगे जिसमें आपके पास डेल एक्स जो है डिस्टेंस है, थिकनेस है उसकी, और ए एरिया है, तो जो जब उस पर पोटेंशियल अप्लाई हुआ तो कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, आई इज इक्वल डेल वी ओवर आर। यहां से आर जो है ये हमने पहले पढ़ा है, रो एल ओवर ए रेजिस्टेंस, एल की जगह पे डेल एक्स लगाया और ये ए। फिर इसकी वैल्यू आर की यहाँ पे आप इक्वेशन में पुट करें, आपके पास आ गया आई इज इक्वल टू ए डेल वी ओवर डेल एक्स, इस इक्वेशन पे आ गया आई। और इसको आप आई जो है, हमें पता है कि आई जो है वो होता है करंट डी क्यू ओवर डी टी, या आपके पास होता है वी ओवर एक्स, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। जस्ट दो चीजें, आवाज नहीं आ रही जी। हेलो, ये हाँ जी, ये आपके पास जो dq ओवर dt इज इक्वल टू माइनस a ओवर रो dv बाय dx, ये रिलेशन कैसे है, ये वाला dq बाय ये रिलेशन कैसे है बताएं आप लोग, dq ओवर dt इक्वल टू माइनस a dv बाय dx ओवर रो। हाँ जी, हाँ जी बताएं सर, ये करंट की वैल्यू पुट की है। बिल्कुल ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, जस्ट आपने करंट की वैल्यू पुट की है उसमें जो आपके पास रिलेशन है। तो अब ये आपके पास है, यहां से dq ओवर dt माइनस a इंटू वन ओवर रो को सिग्मा लिखा है dv बाई डी एक्स, ये देखें वन ओवर रो इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, माइनस साइन जो है हमें शो कराता है करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब के हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में आप मूव कर रहे हैं तो उसमें आपके पास डिक्लाइन होता है, तो जिसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं माइनस, इस वजह से यहाँ पे इंटरप्रेट हुआ। तो अगर आप हीट की बात करते हैं, ये तो करंट से रिलेटेड थी इक्वेशन वन, इफ डी क्यू इज द हीट फ्लोस थ्रू द एरिया ए इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी, देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डी क्यू ओवर डी टी, आपके पास ये रिलेशन होता है माइनस के, यहाँ पे आपके पास जस्ट इक्वेशन बात वही है, उस इक्वेशन को आप देखें, यहाँ पे जो सिग्मा होता है उसकी जगह पे ये थर्मल कंडक्टिविटी वाला होता है के, ए एरिया ऐसे होता है, V की जगह पे वो पोटेंशियल होता है, यहाँ पे टेम्परेचर होता है, dV ये ड्यू टू द फ्लो ऑफ पोटेंशियल करंट है, ये हीट होती है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर dT बाय dx यहाँ पे आया। तो dV बाय dx को आप ये वही आगे बताएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट है या टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मीन्स जो चेंज इसकी वजह से आपके पास हो रहा है। तो सिमिलरली द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन इक्वेशन वन हैज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन इक्वेशन टू, कि ये डी वी बाई डी एक्स जो है इलेक्ट्रिक, ये इसका इफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का सेम है एज कम्पेयर टू दिस, इट मीन दिस इज एनालॉगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। आगे ओम्स लॉ है, ये भी हमने पहले देखा है, इसमें जस्ट हमने उसकी इक्वेशन ड्राइव की है, आगे फिर इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट किया उसने विद द हेल्प ऑफ मेटल्स के लिए किस तरह से, जरी बात है मेटल की बात अगर आप करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर वो थ्रू अ चार्ज कैरियर जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की वजह से मूवमेंट होती है, कंडक्शन होती है, और उसके बाद
जो आपके पास है एक इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर होता है, पार्शली उसका गैप थोड़ा सा उससे कम होता है, कंडक्टर का बहुत ज्यादा कम होता है वेलस और कंडक्शन बैंड का, और इंसुलेटर का काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से आपका करंट नहीं गुजर सकते। तो इसमें आपके पास जो कंडक्शन इन मेटल है इज यूजली डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर रिड्यूस्ड टू मूव फ्रीली, ये बताया मैंने आपको, मटीरियल में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन समवर्ड लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर। तो दीज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली, जारी बात है जो इलेक्ट्रॉन है उसका पता तो नहीं है किधर है, वो उसका पाथ जो है रैंडम होगा और उसकी जो कोलिजन होगी एटम्स के मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द रैंडम मोशन तो आपके पास रैंडम होगी वो भी। और कॉपर की अगर आप बात करते हैं एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रैंडम मोशन 1.6 × 10⁶ ये होती है कॉपर में। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एफ इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा, वही फोर्स लगेगी, ये एफ इज इक्वल टू एम ए होती है, ए इज इक्वल टू ई ई बाय एम आपके पास आ गया। ये ए एक्सेलरेशन है, ई चार्ज है और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी। अच्छा, उसके बाद मीन फ्री पाथ से रिलेटेड हम बात करेंगे, इसको हमने वही करंट डेंसिटी की फॉर्म में लेके जाना है। तो मतलब के ओम्स लॉ को अप्लाई करके आप उसको जो है वो यूज करेंगे। लेट लैम्डा बी द मीन फ्री पाथ एंड टाउ इज द टाइम बिटवीन द कोलिजन, इफ वी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन देन एस इज इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टी, टी यहां से टाउ आ गया लैम्डा ओवर वी। During the collisions of free electron and atom or ion core, the tendency of the electron to drift is destroyed. Therefore, the average drift speed of the electron will be. इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास free electron move कर रहे हैं, वो collide कर रहे हैं atom से या ion core से, तो उसकी जो आपके पास capability होगी electron की कोलिजन में, जारी बात है वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, कम करता है। मतलब कोलिजन से क्या होता है कि जो स्पीड कम होती है एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे जब टकराएगा तो जारी बात वो डिस्ट्रॉय करते हैं ना, वहां से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से बम्बार्डमेंट करता है या आयन से करेगा तो वो आपके पास न्यूट्रल हो जाता है। अगर आयन से करेगा इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आयन हो तो वो तो जीरो होगा, उसमें से करंट ही नहीं गुजरता, उसमें इंसुलेटर होता है वो। तो वी डी यहाँ पे आपके पास होगा ए इंटू टी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट की है वही ई टी बाय एम। तो ये करंट डेंसिटी जो है जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, हमने पढ़ा हुआ है। तो एन ई वी डी की वैल्यू ये पुट करें ई ई टॉ ओवर एम, तो यहां से ई ओवर जे फाइंड आउट सेपरेट कर लें, एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज रो इज इक्वल टू ई ओवर जे होता है क्योंकि ई इज इक्वल टू सिग्मा जे था ना, तो ये E is equal to, ये आपके पास आ गया। यहाँ वैल्यू कंपेयर कर लें इसकी 1 और 2 को, E over J equal to, तो rho is equal to M over N E square tau. This equation gives the electrical resistivity. It is clear from the equation that the material does not depend upon the magnitude of the electric field. मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मास पे डिपेंडेंट है, नंबर कंसंट्रेशन पे है, चार्ज पे है या टाइम कांस्टेंट पे है। जो रेजिस्टिविटी है इट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो रेजिस्टिविटी की हमने डिपेंडेंस चेक करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे है कि नहीं। सर इस इक्वेशन को एक्सप्लेन कर दें कि ये रेजिस्टिविटी यानी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फिर। हाँ जी बिल्कुल, ये मास डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सल टू द टाइम कांस्टेंट जो आपके पास टाउ है। ओके सर। मटेरियल्स जो ओबे करते हैं आपको पता है कि ओम्स लॉ को मटेरियल्स हैं, तो इफ द रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द पोलैरिटी ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो एनर्जी ट्रांसफर जो उसमें होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसमें सबसे पहला चीज है कि डिसिपेशन क्या हो रही है एनर्जी में, जिसको पावर डिसिपेशन इन सर्किट बोलते हो। तो ये पोटेंशियल अप्लाई किया, सिंपल केस है, रेजिस्टेंस लगी हुई है ए बी सी डी,
ये टर्मिनल्स हैं, ये आपके पास कन्वेंशनल ग्रांट सर्किट में फ्लो कर रहा है, ये स्विच है, तो इससे क्या होगा, पावर डिसिपेशन हमने देखना है सर्किट में कि पावर डिसिपेशन किस तरह से आपके पास इसमें से हो रहा है। तो इसमें हम एज्यूम किया, हमने पोटेंशियल लगाया, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें क्या होगा, वर्क डन होगा। तो जो आपके पास वर्क डन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। ये आपके पास जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वो जब चार्ज डेल्टा डी क्यू है, स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज वी, ये आपके पास जो इक्वेशन आई है ये है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये वाला। तो वर्क डन जो है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर हो रहा है वो वी इंटू डेल्टा डी क्यू रह जाएगी। ये इसको आप देखेंगे, ये पोटेंशियल है, ये चार्ज है, ये आपके पास चेंज पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस केस के अंदर जो पावर बता दी वाला, ये एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है सर्किट में, मतलब इट इज ड्यू टू द वर्क डन विच इज अप्लाइड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द चार्ज, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो V इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इज पोटेंशियल। वहां से आप वर्क डन फाइंड करें वो V इंटू क्यू होगा ना, ये वाला, ये। और वर्क डन जो है वो स्टोर होगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये डी यू। और ये बैटरी में आपके पास डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी थ्रू रेजिस्टेंस आर हो रही है, इसकी समझ आ गई है इक्वेशन की, ये पहले वाला? नो सर, नहीं आ रही समझ। आप सिंपल इसको ना देखें, आप सिर्फ ये देखो आप लोग कि जो वर्क पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बात समझाइए आप जी सर। यस सर। अब जो वर्क डन है वो आपके पास है डेल यू क्यू, और जो आपके पास ये चार्ज है डी क्यू है, बस सिंपल इक्वेशन है ये, उसको आपने उधर लिखा है बस रीअरेंज करके। ओके सर। और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जो आपके पास होगा P इज इक्वल टू, ये आपके पास होती है डी यू बाई डी टी, डी यू की वैल्यू ये पुट करें, U इस वजह से किया है ना, पावर डी डब्ल्यू ओवर डी टी होता है ना, वर्क डन पर यूनिट डब्ल्यू बाई टी, और ये वर्क डन ही है डी यू। तो यहाँ वैल्यू पुट की, P इज इक्वल टू वी आई किया, V इज इक्वल टू आई आर आई स्क्वायर आर, ये तो सिंपल वही तीन फार्मूला था पावर के, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, दीज आर थ्री फार्मूलाज ऑफ द पावर विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी सर्किट। और ये जो आपके पास इक्वेशन है जिसको वन कहा है, इसको जोल लॉ भी कहते हैं, मतलब इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। हियर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पी इज द पावर डिसिपेटेड व्हिच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम ट्रांसफर टू द सर्किट इन अ ब्लैक बॉक्स। मतलब ब्लैक बॉक्स क्या होता है, नहीं पता। ब्लैक बॉक्स जो है बेसिकली आपके पास जहां पे जो रेडिएशंस है ना, देखो ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने पढ़ी है, मतलब ब्लैक कलर जो होता है ना ये ऑब्जर्वर होता है, ये बेसिकली जो लाइट है ना इट कंसिस्ट ऑफ, आप कहते हैं जी सात कलर्स हैं इसमें, जब आपके पास सारे कलर रिफ्लेक्ट होते हैं तो वहां से वाइट कलर जनरेट होता है, मतलब सारे के सारे जब रिफ्लेक्ट होंगे तो वो स्पेक्ट्रम जो होता है ना वो वाइट कलर शो करवाता है। बट व्हेन ऑल द कलर आर ऑब्जर्व्ड, जब सारे कलर ऑब्जर्व हो जाएं, कोई कलर वहां से रिफ्लेक्ट ना हो, उसको आप कहते हैं जो कलर है वो ब्लैक है। बेसिकली स्पेक्ट्रम में लाई नहीं करता होता, ब्लैक जो है वो आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर है विच इज वाइट। अब उसका ब्लैक बॉक्स में क्यों उसको रखा, क्योंकि वहां पे आपके पास डिसिपेशन ऑफ द पावर कम हो और वहां पे हीट ट्रांसफर ज्यादा ज्यादा हो, मतलब करंट सर्किट में ज्यादा फ्लो हो। तो जिस तरह से आपके पास है ये स्पेक्ट्रोमीटर वाला आप एक्सपेरिमेंट में शायद है, पता नहीं स्पेक्ट्रो है नहीं है उसमें, वो बी एस सी लेवल का,
वहां पे वही है कि बिल्कुल जो डार्क रूम होता है उसमें आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर है, तो उससे आप रेडिएशन चेक करते हैं कौन सी लाइट जो है कैसे एमिट होती है। तो इस रीजन में उसको आप सर्किट जो कम्बिनेशन है उसको आप कहते हैं ब्लैक डॉट सर्किट। तो मैं आपको एक चीज ये बता रहा था कि जो हमें ग्रीन कलर नजर आता है, रेड आता है, ब्लू आता है, व्हाइट आता है, या पिंक है, जिस तरह से भी आपके पास कलर कॉम्बिनेशन है, ये हमें ड्यू टू द रिफ्लेक्शन जो है हम इसको इनको देख सकते हैं कि जो जिस वेवलेंथ का कलर जो है वो आपके पास वहां पे ऑब्जर्व होगा, बाकी कलर रिफ्लेक्ट होंगे तो हमारे जो आपके पास आई है वो उस कलर को देख सकते हैं। आगे से जो जो रिफ्लेक्ट होगा उसको देख सकती है, जो एब्जॉर्ब होगा उसको देख सकती है। रिफ्लेक्ट होगा, जो रिफ्लेक्ट होगा कलर। सर काफी है आज के लिए। हाँ जी आज के लिए काफी है। यस सर काफी है बहुत काफी, इतना जो कुछ भी नहीं। सर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, सर इतना ज्यादा इतना बुखार लग रहा ज्यादा। है, सर हमने याद भी करना है। अच्छा इससे रिलेटेड ना सर मेरी बात छह पेजेस हो जाते हैं। सुने, आपने ये करना है, नहीं हो तो जाते हैं ठीक है, वो तो चले कोई इशू नहीं है। आपने इससे रिलेटेड जो है ना वो प्रॉब्लम्स देखने हैं उस पे जो आपका बुक है, ठीक है ना, कि ओम्स लॉ से रिलेटेड, कंडक्टिविटी से रिलेटेड, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, जिस तरह जो भी हमने चीजें की हैं, ठीक है ना, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखें वो भी करनी है आपने। बाकी साथ साथ करते रहा करो, जो चीज आपके मतलब आपको ऑलरेडी है आइडिया तो है ना कि किस तरह से जो है वो करते हैं, हो जाएगी कोई इश्यू। अच्छा आज मौसम आप लोगों ने कि हाँ मौसम ठीक है, तो बस ठीक हो गया। बारिश हो रही है सर। हाँ बारिश हो रही है, सही कह रहे हैं, फिर बारिश का मौसम है यस तो सर। थोड़ा चलें ठीक हो गया, फिर जी एंजॉय करें, ठीक है सर जी। सर हाँ जी सर, जी फ्राइडे को जो एक्सपेरिमेंट किया आपने, हमें वीडियो शेयर की थी लिंक, हाँ जी वो रिपीट करवा दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ हाँ वो यार नहीं हुआ था, वो करेंगे, वो मुझे याद है आइडिया है मुझे, वो नहीं हो सका था ना उस दिन, जी सर तो बाकी करेंगे इंशाल्लाह, मुझे रिमाइंड करवाइए मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा, ठीक है।